नमस्कार दोस्तों, सिविल इंजीनियरिंग सपोर्ट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर अभिषेक सिंह। दोस्तों आप देख सकते हैं एक घर का जब निर्माण हो रहा है और आप देख सकते हैं कि घर में कुछ आधुनिक चीज़ें बनाई गई हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, नए ज़माने में नए तरीके से हाउस कंस्ट्रक्शन चल रहा है। आप भी घर बनवा रहे हैं, ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए दोस्तों, और जो चीज़ें नई लगती है आपको आप अपने घर में शामिल कर सकते हैं। जैसे कि देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ का शटरिंग हटाया गया है। आप देख सकते हैं घर में शटरिंग हटाया गया है, बिल्कुल जो है वो सपाट आपको नीचे से छत दिखना चाहिए। लेकिन आप देख सकते हैं दोस्तों, छत के नीचे में लटका हुआ ये बॉक्स नुमा कोई चीज़ दिख रहा है दोस्तों। एक्चुअल में इसका नाम डाउन स्लैब है, सनकेन है, आप दोनों में से कोई भी चीज़ बोल सकते हैं। और देख सकते हैं दोस्तों, जैसा कि लग रहा है पुराने ज़माने में जिस तरीके से खजाना छुपाने के लिए जगह बनाया जाता था, कुछ इसी तरीके का दोस्तों छत में बना हुआ ये डाउन स्लैब आपको देखने में लग रहा होगा। और देख सकते हैं कि डाउन स्लैब के चारों तरफ दोस्तों बीम है, बीम के सहारे ही इस डाउन स्लैब की ढलाई की गई है। ये जो बीम है ना, बीम के निचले पोर्शन में दोस्तों आप देखेंगे तो ये डाउन स्लैब की ढलाई की गई है। और नीचे से लगता है कि मुझे क्लियर आपको पता नहीं चल रहा, चलिए मैं आपको छत के ऊपर लिए चलता हूँ और तब आप देख पाएंगे कि आखिरकार डाउन स्लैब का निर्माण किस तरीके से करवाया जाता है, और फिर आप इसके फ़ायदे जानिएगा और फिर मैं बताऊँगा कि इसको किस तरीके से बनाया जाता है। तो कंप्लीट जानकारी आपको मिलने वाली है डाउन स्लैब या सनकेन के बारे में। तो नए हैं दोस्तों, अभी समय है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर हाथ चलते हैं छत के ऊपर। और उसके बाद दिखाता हूँ दोस्तों, यहाँ पे शटरिंग हो रखा है तो हो सकता है दोस्तों थोड़ा सा आपको देखने में डिस्टर्बेंस हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि आपको पूरी तरीके से दिखाया जाए। ये आपने नीचे वाला पार्ट देख लिया, अब आप देखिए कि छत के ऊपर में ये कैसा दिखता है। ये देखिए, ये दोस्तों बाकी छत से नीचे में है, यही कारण है कि इसको डाउन स्लैब बोला जाता है। और देख सकते हैं दोस्तों, इसको बनाने के लिए आपको इसके चारों तरफ कम से कम बीम या तो है पहले से तो अच्छी बात है, नहीं तो बीम ढालना होगा, ताकि दोस्तों बीम के निचले हिस्से में इस तरीके का जो हमारा डाउन स्लैब है उसका निर्माण करवाया जाए। और ये बाकी छत से जो है वो 8 से 12 इंच गहराई पे होता है। और इसका फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जब हम टॉयलेट या फिर दोस्तों कमोड या फिर दोस्तों इंडियन स्टाइल का जो सीट लगाते हैं बाथरूम में, तो उसका जो पाइप फिटिंग होता है दोस्तों वो आपके जो नॉर्मल छत होता है, तो बाथरूम का हमेशा छत से नीचे होना चाहिए, तो छत में जगह नहीं रहता है दोस्तों खुदाई वगैरह करने की, तो इसलिए डाउन स्लैब बनाते हैं इसमें पाइप फिटिंग करने के लिए। आप देख सकते हैं दोस्तों पानी लगा हुआ है, बहुत लोगों का एक कन्फ्यूजन होता है कि डाउन स्लैब में पानी जो है वो नीचे की तरफ सिपेज करता है, तो आपने नीचे देखा दोस्तों एक भी पानी सिपेज नहीं कर रहा था। तो बिल्कुल अच्छे तरीके से बनाएंगे, अगर वाटर प्रूफिंग वगैरह का ख्याल रखेंगे तो बिल्कुल भी सिपेज नहीं करता है। और वैसे भी डाउन स्लैब में पानी स्टोर करने के लिए कोई जगह नहीं होता है दोस्तों, डाउन स्लैब में मात्र आपको जो पाइप फिटिंग लगाने हैं, तो पाइप फिटिंग लगाने के बाद में जो बाकी जगह बचेगा दोस्तों उसको हल्के मटेरियल से भर दिया जाता है, और उसके बाद दोस्तों टाइल्स वगैरह लगा दिया जाता है, तो उसमें पानी वगैरह स्टोर तो करना नहीं है। तो इस चीज़ से दोस्तों आप बिल्कुल जो है वो बेखौफ रहें कि कोई दिक्कत होने वाली हो, डाउन स्लैब बनवा लें ताकि फ्यूचर में जब फर्स्ट फ्लोर पे घर बनवाएं तो आपको बाथरूम बनाने में किसी तरीके की दिक्कत ना हो। फिर मिलते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।